हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाना, जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस कपड़े का पना है वो बड़ा है। अगर आप नॉर्मल पने का कपड़ा ले रहे हैं यानी 40 का ले रहे तो आप 3 इंच लें। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से 2 फोल्ड में करके ट्राइंगल में कर देंगे, यानी कि इसको जो हमारा होता है ओरिव में कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको ओरिव में कर लिया है। ये जो आपको दिख रहा है छोटा बड़ा फैब्रिक, इसको हम निकाल देंगे। अब आपका जो भी कमर साइज है, तो यहाँ पे जो कमर साइज है वो 28 है। 28 का चौथा हिस्सा आता है 7, और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसको यहाँ से नाप रहे हैं तो ये हमारा बैठ रहा है लगभग 14 इंच पे, तो वो हमारा प्रॉपर इतने पे ही आना चाहिए पूरा सर्कल। आप अच्छे से नाप के देख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बराबर कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से टॉप पार्ट का माइनस करके और यहाँ से आपका जो भी लेंथ है, जैसे हमारे पास ये 27 इंच आ रहा है तो हम इतना ही लेंगे इसको। अगर आप इसमें जॉइंट लगाना चाहती हैं तो आप जॉइंट भी लगा सकती हैं, लेकिन हमारा जो नीचे फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम अपना टॉप पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। इसमें स्लीव्स हम जो अम्ब्रेला में होती हैं डबल घेरे वाली, वो हम निकालेंगे। तो हमने पूरे में 27 इंच पे एक सीधी लाइनें बना ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरे में बना लेना है इन लाइनों को, और सभी को एक दूसरे से लाइन अप करके अब हम क्या करेंगे, पहले कमर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, पिन निकाल देंगे। तो ये कमर वाले हिस्से की कटिंग हो गई हैं। अब उसके बाद जो साइडों से हमारा कपड़ा निकला हुआ है इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से, और फिर जो हमने अभी पूरा निशान लगाया है गोलाई में 27 इंच पे, उसको हम पूरा कट कर लेंगे। और टोटल इस कुर्ती की जो लंबाई होगी वो 42 इंच होगी, क्योंकि 27 इंच का इसका टॉप पार्ट है और 15 इंच का टॉप पार्ट है, 27 इंच का नीचे का घेरा है। तो ये हमारी जो कुर्ती है वो हमारी 42 इंच की रेडी हो जाएगी। अगर आप इसमें और भी लॉन्ग बनाना चाहती हैं तो नीचे आप जॉइंट लगा सकती हैं, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है जॉइंट लगाना। अब जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा मैंने अलग कर लिया है। 15 का टॉप पार्ट रेडी है, तो 16 इंच ऐसे लिया है, 11 इंच मैंने टॉप पार्ट को चौड़ाई में रखा है। 4 फोल्ड में है कपड़ा मेरा। 7 इंच पर शोल्डर ले लेंगे, बॉट नेक बनाएंगे इसमें, और 7 इंच पर ही अपने आर्म होल ले लेंगे, और यहाँ से इस लाइन को हम इस तरीके से, अब जो भी आपका ब्रेस्ट साइज है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ से आप निशान लगा लीजिए। तो मैंने 11 इंच लिया है। अब अपनी कमर का भी चौथा हिस्सा लेके उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इन दोनों को लाइन अप कर दीजिए। गोलाई दे दीजिए आर्म होल के लिए, फ्रंट और बैक के लिए 1/2 इंच का शोल्डर आप डाउन कर दीजिए। बस कटिंग कर देंगे अब इसकी, यहाँ से भी इसकी पूरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से वो निकला हुआ है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना हमारा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है तो वो बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है उसको बराबर करके अब इसके लिए अस्तर कट करेंगे। तो जैसे हमने टॉप पार्ट को कट किया है उसी को रख के ऐसे ही कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए, यहाँ से पूरा अच्छे से कटिंग करेंगे। तो ये मैंने अस्तर भी कट कर लिया है इसके लिए, अस्तर मैंने क्रैप कर लिया है। अब जो हमने अभी अपना घेरा कट किया है उसी घेरे को रख के नीचे का अस्तर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल हम बराबर ही कट कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पर इंटरलॉक भी करा सकती हैं। तो यहाँ से जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद फिर से एक बार ट्रायंगल में कर लेंगे, जैसे हमने घेरा कट किया था अभी। ठीक है, अब ये स्लीव्स हमारी थोड़ी डिफरेंट होंगी और ये अच्छी भी लगेंगी बहुत बनने के बाद में, क्योंकि जो फुल स्लीव्स होती हैं उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ से ले लिया है 4 इंच पे। ठीक है, अब लेंथ में आप जितना भी इसे रखना चाहो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ ले लीजिए। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 11 इंच पे इसकी लेंथ, और बिल्कुल ऐसे ही सर्कल कट कर देंगे जैसे घेरा कट किया था, उसी के अकॉर्डिंग इसका पूरा गोल सर्कल कट कर लेंगे। और इसमें हमारा एक साइड को जॉइंट आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल फुल अम्ब्रेला में होती हैं उसमें हमारा जॉइंट नहीं आता है। तो
तो इसको हम यहाँ से एक साइड को तो जॉइंट आया ही था, तो दूसरी साइड से भी हमने उसको ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी बाजुएं आ जाएंगी। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स भी डाल सकती हैं, अगर बड़ी बैठे तो वैसे एकदम ही बराबर बैठेगी। अब हम क्या करेंगे कि अपने टॉप पार्ट को रखेंगे, नीचे अस्तर को रखेंगे और इनके ऊपर चारों तरफ को हम सिलाइयाँ लगा देंगे। तो सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं चारों तरफ को। अब आप इसमें जो भी गला अपने हिसाब से बनाना चाहती हैं, तो मैं इसमें बोट नेक बनाऊंगी। तो मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले ली है, इसको फोर फोल्ड करके रखेंगे ताकि बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट एक साथ निकाल सके। 4 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे, 5 या 4 इंच पे ही लंबाई ले लीजिए जितना भी आप पहनना चाहती हैं, और गोलाई दे दीजिए बोट नेक की। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर दीजिए, चिपकाने वाली है, और इसके ऊपर आप प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ से हम इसको बचे हुए फैब्रिक पे प्रेस कर लेंगे। और अब उसके बाद जो हमने आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है उसको अंदर की साइड मोड़ेंगे और इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा टॉप पार्ट है, इसको भी उठाएंगे और इसके भी सेंटर में निशान लगाएंगे। सीधी साइड को लगाना है टॉप पार्ट के में, और जो हमारा गला था उसकी उल्टी साइड में निशान लगाना है। एक छोटा सा कट भी लगा देंगे दोनों में ताकि दोनों लाइनें एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएं। अब एक सिलाई तो सेंटर में लगा लीजिए या पिन लगा लीजिए, और फिर उसके बाद जैसे कट हमने गोलाई दी है उसी के अकॉर्डिंग इसको सिल दीजिए, और फिर छोटे छोटे कट लगा के इसको रॉन्ग साइड को पलट दीजिए। तो यहाँ से हमने इसको रॉन्ग साइड को पलट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का कमर वाला हिस्सा जोड़ लेंगे, नीचे के घेरे वाला। अब हम दोनों का कमर वाला हिस्सा सिलाई लगा के अब इसके ऊपर अपना टॉप पार्ट रख के इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। पहले हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ा, फिर हमने जो हमारा टॉप पार्ट था ऊपर का उसको जोड़ दिया कमर वाले हिस्से में। अब ये देखिए, दोनों हमारे कमर वाले हिस्से जुड़ गए। अब हम इनका बॉटम मोड़ लेंगे, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो दोनों को हम ऐसे शोल्डर से जोड़ देंगे, और इसके बॉटम में हम लेस का यूज़ करेंगे जो पतली होती है, मतलब आधा इंच से भी कम लेस होती है उसका हम यूज़ करेंगे। ये हमने जो बाजू कट की थी हम बाजू में भी उसी लेस का यूज़ करेंगे। तो बस ऐसे इसमें पूरे में हम जो बाजू है उसको लगा देंगे। अगर एक दो कहीं प्लेट आए तो, वैसे इसमें आई नहीं हमारी प्लेट, एकदम सही आया ये। अगर आपकी प्लेट आती है तो एक दो छोटी छोटी प्लेट डाल सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि घेरा बहुत अच्छा आता है। बस आप फिटिंग कर लेंगे, और इसकी फ़िटिंग बाजू की बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हमने आपको नॉर्मल कुर्ती की ब्लाउज़ की करके दिखाते हैं। बस इसके बॉटम तक इसको सिल दीजिए आप पूरा, और फिर उसके बाद इसके घेरे पर हम लेस लगा देंगे। तो ये देखिए, इससे लगभग 1 इंच ऊंचा है वो घेरा हमारा। अब दूसरी साइड को भी फिटिंग कर लेंगे, और इसकी फ़िटिंग हमें जो बाजू की फ़िटिंग है वो 1 इंच कपड़ा दबाते हुए करनी है, जैसे हम अम्ब्रेला स्लीव्स की। इसमें आपको ये फ़िटिंग नहीं देखनी है कि एकदम बाजू एकदम फिटिंग में आएगी, ये ओपन बाजू है। तो देखिए, मैंने बाजुओं के ऊपर ये लेस लगा दी है, मैं आपको बॉटम पर लगा के दिखाऊँगी। सबसे पहले हम इस अस्तर वाले को मोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको सिंगल मोड़ रही हूँ, मतलब एक बार मोड़ूंगी फिर इसको बार डबल मोड़ दूंगी। उससे क्या होगा कि एक तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, दूसरी चीज़ इसमें झोल नहीं आएगा। अब हम अपने मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही जोड़ेंगे, पहले इसको सिंगल जोड़ेंगे फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब दोनों हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। तो दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें हमने ये डोरी बना ली है, जो बचा हुआ और फैब्रिक था उसमें से मैंने ये लगभग 20-20 इंच लंबी डोरी बना ली है। तो आप चाहें तो मैं यहाँ पर इस कमर वाले हिस्से के साथ इनको अटैच कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो इसकी फ़िटिंग है वो और भी अच्छी आएगी। तो बस हमारी जो कुर्ती है वो बन के रेडी है। मैंने इसके बॉटम पर और इसके कमर वाले हिस्से पर भी एक